I'm Dr. Sonal Motta, wife of late Shri Zaveid Motta. Today's topic is obesity. ये topic पे हमने बात नहीं किया है कभी भी. अभी first मोटापा होता क्यों है, कौन सी एज में होता है? छोटी उम्र में भी हो सकता है due to endocrine disorder, बड़ी उम्र में भी हो सकता है. बड़ी उम्र में होगा आपको पीरियड्स इरेग्युलर होने की वजह से लेडीज में, कभी स्ट्रेस होने पे, कभी टेंशन होने पे हम लोग ज्यादा खा लेते हैं, कभी डायबिटीज होने से, थायराइड होने से, ब्लड प्रेशर होने से, एंडोक्राइन डिसऑर्डर कोई भी होने से, कभी हम लोग स्टीरॉइड्स लेते हैं अस्थमा रहेगा तो, कोई पेन किलर हमें इफेक्ट नहीं करेंगी, स्टीरॉइड्स खाएंगे तो वजन बढ़ जाता है, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है तो भी वजन बढ़ जाता है. अभी यह वजन जो बढ़ जाता है वो हम कितने ऑपरेशन करवाते हैं सेल्युलर फैट एडिपोज टिश्यू निकालने के लिए, हम कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दवाइयां खाते हैं, क्या यह व्याधि है अपने आप को पूछिए. कुदरत ने जो शरीर बनाया है उससे इतना छेड़छाड़ करना व्याधि है, अपने अंतरात्मा को पूछिए. अगर ये व्याधि नहीं है तो फिर क्या व्याधि है? एक ही चीज व्याधि है कि कुदरती प्रमाण से कैसे आप शरीर कम कर सकते हैं, उसी की चर्चा करने के लिए आज हमारी छोटी सी मुलाकात है 10 मिनटों की. अब आप कैसे अपना वजन कम करोगे? बिना खाए खाने पीने में कोई आपको चेंजेस नहीं करने हैं, खाली थोड़ी एक्सरसाइज करनी है. और हमें ये जो आपको बताते हैं एक्सरसाइज वो इन जनरल है, कारण के हिसाब से एक्सरसाइज बदल जाएगी, पर हम बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे आपको क्या खाना पीना है. अगर आप नॉन वेज खाते हो तला हुआ तो आपको नहीं खाना है. नंबर एक, आपको एक ग्लास पानी बिना ब्रश किए पी लेना है, पूरा मुंह के अंदर आपको पी लेना है. फिर गरम चाय के साथ अगर आप बिस्किट लेते हैं या टोस्ट लेते हैं तो चलेगा. फिर दो बादाम, दो अखरोट, काली द्राक्ष, ये भी चलेगा. उसके बाद खाना खाने में पहले वेजिटेबल सूप ले लीजिए, एक ग्लास पतली छाछ लीजिए वेजिटेबल सूप, जैसे पालक, गाजर, बीट मिक्स करके फंसी, उससे आपका पेट भर जाएगा. बाद में ज्वार की रोटी, चावल की रोटी, नाचनी की रोटी, गेहूं की रोटी, कोई भी रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में भाजी, एक कप दही. आपको सुबह रोटी खानी है, शाम को चावल लेना है. इसके बाद आपको शाम को एक कप चाय, या चाय ना पीते हो तो दूध, थोड़ा फ्रूट साथ में ले लीजिए आधे घंटे के ब्रेक के बाद, या आप नाचनी की वेफर ले सकते हो, कुरमुरा ले सकते हो, गुड़ चना ले सकते हो, चिक्की ले सकते हो, इलायची, केला ले सकते हो. रात को सोने के टाइम पे बिरयानी या खिचड़ी या कोई भी खाना, चावल की आइटम आप ले सकते हो. आपका सवाल होगा क्या हम कुछ खट्टा खा सकते हैं? कोकम, इमली, इडली, डोसा, ये अगर आप ना खाएं तो ठीक है. और कभी भी आपने गुलाब जामुन, आइसक्रीम या कोई भी फूड खा लिया तो उसके बारे में सोचना नहीं है कि मैंने इतनी कैलोरी खा ली. जब आप सोचेंगे तो आपका वजन बढ़ेगा, वो एनर्जी उधर पास हो जाएगी. इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप सोचिए नहीं कि आपने ऐसा कुछ खाना खाया है जिससे आपका वजन बढ़ेगा. अब कॉमन दो एक्सरसाइजेज आपको मैं खाली दिखाऊंगी,
जिससे आपका पेट का फैट कम होगा, ज्यादा पेशाब और गैस निकलेगा। खाली दो एक्सरसाइज, एक पहला हाथ को ऐसे पकड़ना है, ऐसे हाथ ये पीछे रखना है, और क्या करना है हमें बैठ के सांसें छोड़नी है। ये कितनी बार करना है, ये आपको कम से कम 50 बार करना है, दो दिन 50 बार, तीसरे दिन 60 टाइम्स, फिफ्थ डे 70 टाइम्स, नाइन्थ डे 70 टाइम्स। आपको लगेगा इससे क्या होगा, इससे आपका पानी और गैस छूटेगा, इससे आपका पेट का घेरावा है उसमें फर्क पड़ जाएगा। अब दूसरी एक्सरसाइज क्या करनी है, पांव को टेबल पे रखना है, किचन के टेबल पे, और ऐसा करना है, इससे आपका पेट कम होगा और आपको पांव के मसल्स में स्ट्रेच आएगा। ये ऐसे पांव रखना है और ऐसे पांव के मसल्स में स्ट्रेच आएगा। वापस ऐसे करना है और साइड पे एक चेयर लेके अब ये चौथा जो तीसरी एक्सरसाइज जो बता रही हूँ, ये है मिरेकल एक्सरसाइज, मिरेकल मशीन। यह मशीन हमने आपको पहले भी बताया है, इस पर आपको बैठना है और आपके दोनों हाथ भी इससे चल सकते हैं। अभी यह मशीन हमने घुटनों के लिए, ओबेसिटी के लिए, बैक के लिए, वेरिकोस वेन्स और साइटिका के लिए। यह मशीन का जिक्र हम इसलिए करते हैं क्योंकि आपके बॉडी में कॉन्स्टिपेशन, गैस और एक्सेस ऑफ वाटर कलेक्शन रहेगा, वो इस मशीन से निकल जाएगा। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, खाली पांव ऐसा रखना है और मशीन को ऐसे चलाना है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस। इस तरह से हमको हमारी कैपेसिटी हो 100 करने की, तो हम 100 सुबह शाम कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ गैस, और आपके थाई मसल्स ज्यादा होंगे या पेट में एडिपोस फैट रहेगा वो निकल जाएगा, उसमें आपको बहुत ही फर्क आ जाएगा। अभी ये खाना खाने के आधा पौने घंटे बाद कर सकते हैं, ये पीरियड्स में यूज नहीं कर सकते, बुखार होगा तो यूज नहीं कर सकते। अगर आप बहुत थक गए हैं तो मत करिएगा। इस तरह से करने से बहुत सिंपल है, ये स्प्रिंग पे ऑपरेट होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ही जरूरी है। बॉडी को डिटॉक्सिफाई आप कैसे करोगे, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए 2 चम्मच यूफालेट लिक्विड, उसके साथ इसबगुल गर्म पानी में रात सैटरडे को लेना है। आपको दूसरे दिन पतले जुलाब होंगे जिससे आपके बॉडी का टॉक्सिन्स निकल जाएगा, हर सैटरडे को आपको ये करना है। जब हर सैटरडे सैटरडे आप ये करते जाओगे, संडे के दिन आपको नारियल पानी, लस्सी, फ्रूट जूसेस,
दाड़म का जूस, जौ का पानी ऐसा ज्यादा लेना है जिससे आपको जो डायरिया होगा वो वाटर जो लॉस हो गया है वो रिप्लेस हो जाएगा फ्लूइड से। इलेक्ट्रॉल का पानी भी आप पी सकते हो। आप खाने में सलाड्स का उपयोग कर सकते हो, गाजर, बीट, स्प्राउटेड टमाटो, अनियन, गोभी, ये सारा उसमें जीरा का वघार देके या ऊपर थोड़ा कोबरा डाल के आप खा सकते हो। आप जैसे चाहे अपने को कुरमुरा ले सकते हैं। ऐसे फूड आइटम जो कॉमन हो पर जिसमें तत्व खाने का ज्यादा हो, विटामिन ज्यादा हो, ऐसा खाए। ओके, वी विल हैव अ सिमिलर टॉक अगेन फॉर 10 मिनट्स आफ्टर सम टाइम। थैंक यू।